अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सब्बस प्याज दिया है मैंने, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ है। अनियन है, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ है, जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। लाल शिमला मिर्च ली है मैंने, 2 टेबलस्पून, ये भी मैंने चॉप कर ली है। और लाल नहीं है आपके पास तो आप सब्बस वाले भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने काले मिर्च का पाउडर ले लिया है। नमक हसबे जायका जाएगा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और 2 टेबलस्पून इसमें कैबेज जाएगी, वो भी मैंने बारीक चॉप की हुई है। एक अदद बाउल ले लिया मैंने, उसमें 2 अदद अंडे शामिल कर लेते हैं। अब हम साथ ही सारी सब्जियों को शामिल कर लेते हैं। शिमला मिर्च को शामिल कर लेते हैं, बंद गोभी शामिल कर लेते हैं। और शिमला मिर्च अगर आपको रेड नहीं मिली तो ग्रीन यूज़ कर लें, और रेड कलर के लिए आप थोड़ा सा टमाटर इस्तेमाल कर लें। लेकिन सब्ज़ प्याज का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें, आपने कोशिश करनी है कि ये ऐड करें। ऑलमोस्ट हर मौसम में अब अवेलेबल होने लग गया। सॉल्ट और मिर्च भी मैंने ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं मिक्स करके। और ब्रेड स्लाइसेस ले लेते हैं। एक स्लाइस लिया मैंने, उसका दरमियान वाला वाइट पोर्शन मैं सेपरेट कर रही हूँ इस तरह से आपके सामने नाइफ की हेल्प से। आपने परेशान नहीं होना, ये हम बाद में यूज़ करते हैं, इसके ऊपर वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब फ्राइंग पैन ले लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिया मैंने। को फैला लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम आपने यूज़ करना है। स्लाइस को रख लेते हैं ऊपर और एहतियात के साथ मिक्सचर को मैं इसमें ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही क्विक और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घर में शामिल होती हैं जो आप इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर और ऐड कर लेते हैं। और ये जो मिक्सचर है, ये इससे तकरीबन 3 सैंडविचेस आपके रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और बहुत इजी रेसिपी है। लो फ्लेम पे आपने बनाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं कुक करना, अदरवाइज वो नीचे से जल जाएगा आपका स्लाइस और उसकी लुक भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, मिक्सचर मैंने ऐड कर लिया है। साथ ही मैं एक चेडर चीज़ का स्लाइस ऐड करूँगी, ये देखें। और इसके ऊपर ही हम ब्रेड का वो स्लाइस जो हमने पहले काटा था उसके ऊपर रख के स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे। और इसको अब मैं कवर होने के लिए रख रही हूँ 3 to 4 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 3 to 4 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह से ही हम बाकी 3 सैंडविचेस को रेडी कर लेंगे। आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट जूसी बना है अंदर से, ये चेक करें आप। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।